नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम ज्ञान सागर कक्षा छठी पार्ट 3 बरसते जल के रूप अनेक का अध्ययन करते हैं। इस पाठ में लेखक ने जल के अनेक रूपों के बारे में बताया है। आइए अब हम भी इस कहानी के माध्यम से जल के अनेक रूपों को जानते हैं। आकाश बादलों से ढका था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। ऐसे सुहावने मौसम में राघव, परमित, जफर और अमन मैदान में खेल रहे थे। अमन के दादाजी दूर से बच्चों को खेलते हुए देख रहे थे। वे बहुत प्रसन्न थे कि सभी बच्चे आपस में मिलजुल कर खेल रहे हैं। गेंद से खेलने का सिलसिला अभी शुरू ही हुआ था कि अचानक बिजली चमकने लगी। कुछ ही देर में बादल भी गरजने लगे। दादाजी ने हाथ हिलाते हुए बच्चों को वापस आने का संकेत दिया। अमन की नज़र दादाजी पर पड़ी। उसने अपने साथियों को बताया, देखो दादाजी बुला रहे हैं। इतने में राघव के गाल पर कुछ टप से गिरा। अरे यह गोली सा क्या है? बारिश शुरू हो गई थी। दादाजी जोर जोर से बोले, बच्चों चलो ओले पड़ रहे हैं। अमन, राघव, परमित और जफर सिर पर हाथ रखे अमन के घर की ओर दौड़ पड़े। दादाजी ने चश्मा उतारा और वे बाहर बरामदे में ही अपनी आराम कुर्सी पर बैठ गए। दादाजी बोले, बच्चों आज बहुत दिन बाद होले पड़े हैं। अच्छा हुआ तुम सब चले आए, नहीं तो सिर पर टपाटप होती। बच्चे दादाजी की बात सुनकर खिलखिलाकर हंस गए। देखते ही देखते बरामदे के आगे का खुला स्थान होलों से भर गया। राघव ने दादाजी से पूछा, दादाजी ये ओले क्या होते हैं? दादाजी मुस्कुराए और बोले, बच्चों वायुमंडल में विद्यमान जल की बूंदे झटके से उठकर ऊपर चली जाती है। ऊपर की हवा बहुत ठंडी होती है। ये बूंदे वहीं जम कर ओलों का रूप आरंभ कर लेती हैं। इसी प्रकार हवा के झोंके इन्हें और ऊपर उठा लेते हैं। इन ओलों के ऊपर बर्फ की और परतें जम जाती है। कुछ भारी होने पर ये ओले नीचे की ओर गिरने लगते हैं। वाह दादाजी, मुझे तो यह मालूम नहीं था। सभी बच्चे बहुत खुश हुए। दादाजी ने बच्चों से पूछा, क्या तुमने पाला पड़ता देखा है? पाला? सभी बच्चे एक साथ बोले। दादाजी ने कहा, सर्दियों में तुमने देखा होगा कि खेतों में सुबह सुबह बर्फ की एक चादर सी दिखाई देती है, यही पाला है। जब ठंड अधिक पड़ने लगती है तब हवा में मौजूद भाप जम जाती है और बर्फ की चादर के रूप में दिखाई देती है। वाह दादा, जल का एक रूप है।
दादाजी ने समझाया कि जल जीवन तो है ही, इसके रूप भी अनेक हैं। इतने में अमन दादाजी के लिए चाय ले आया और दोस्तों के लिए गर्मा गर्म पकौड़े। चारों बच्चे खुश थे क्योंकि दादाजी के पास उनके बहुत से सवालों के जवाब थे। परमीत ने कहा, दादाजी, पहाड़ों पर जो बर्फ गिरती है उसके बारे में कुछ बताइए। दादाजी यह सुनकर मुस्कुराए। दादाजी ने कहा, परमीत, पहाड़ ऊंचाई पर होते हैं ना, तो वहाँ ठंड भी अधिक पड़ती है। शीत ऋतु में अधिक ठंड के कारण वहाँ के वायुमंडल में भाप बर्फ के रूप में बदल जाती है। यही जब पहाड़ों पर बरसती है तो इसे हिमपात कहते हैं। अब ओले पड़ना बंद हो गया था, हल्की फुहारें सी पड़ रही थी। बच्चे ऐसे सुहावने मौसम में मजे से पकौड़े खा रहे थे और बूंदों की ताल के संग उनका मन मयूर नाच रहा था। अब आइए देखते हैं प्रश्नोत्तर।